हम लोग नाखुश हैं शत्रुघ्न सिन्हा के जब तक रहे यहाँ 10 वर्ष के अवधि में रहे, लेकिन उनका कारनामा कुछ नज़र नहीं आया, अच्छा कारनामा कुछ नज़र नहीं आया। क्या खुश रहेंगे, 10 वर्ष हो गया कभी तो नज़र आए नहीं, अच्छा चुनाव के टाइम में नज़र आते हैं। अरे हम तो यही कहना चाहते हैं कि यहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा जीत रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो केवल खामोश करना लोगों को समझाते हैं, खामोश, और उसके बाद कुछ लेना देना नहीं, न क्षेत्र से उनको कोई मतलब है और न पब्लिक से है, इसलिए हम लोग जो है सो उनसे बहुत नाखुश हैं। बात तो उसी तरीके का है, तो आते उते हैं नहीं, न किसी से भेंट होता है, खाली बस इलेक्शन के टाइम में दर्शन होता है। सब खुश है, अगर नहीं खुश होता तो 2 बार विनर कैंडिडेट नहीं बनते हैं। दूसरा बात कि एक भूल कमल के फूल, एक भूल आदमी कर चुका है लेकिन दोबारा भूल नहीं करने जा रहा है, वो कमल खिलेगा नहीं, कीचड़ में धंसेगा। हमने फिल्म में देखा है लेकिन हमारे क्षेत्र के MP कभी क्षेत्र में नहीं देखा है। अब ये चाहते हैं कि हम फिल्मी दुनिया में रह कर कमर हिलाकर हम जनता से वोट ले गए, तो अब पहले वाली अब जनता नहीं है। 10 साल से वो MP हैं, कभी एक बार उनका नज़र भी नहीं आए, जीत के गए, अब माफ़ी मांग के गए कि अगले बार से ही नहीं गलती होगा, फिर कहा है वही गलती है, इसी कारण उनको पार्टी बदल दी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय देवेंद्र सिंह लड्डू, बेब समाचार 24x7 में एक बार तमाम पटना साहिब से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है, दलित बस्ती के बिल्कुल नज़दीक में है, गांधी सरोवर मंगल तालाब के पास, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू एक बार तमाम पटना साहिब के तमाम मतदाता जो मत करने का जो प्रयोग करने वाला है उनको भी हम बधाई देते हैं कि ये बधाई महासंग्राम सियासत की जंग तमाम चीज़ अटकलें जो लगा रहे हैं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, उससे हटकर मैं आपको बताता हूं कि पटना साहिब में शत्रुघ्न सिन्हा के उनके कार्यों से कितने लोग खुश हैं, चलिए यहां के मतदाता लोग से भी जानकारी ले लेते हैं और खुद बतलाएंगे ही कि उनके कार्य से कितने लोग प्रभावित हुए हैं। चचा प्रणाम, क्या नाम हुआ? श्री मंगल प्रसाद। बतलाइए शत्रुघ्न सिन्हा के कार्यों से कितने खुश हैं? क्या खुश रहेंगे, 10 वर्ष हो गया कभी तो नज़र आए नहीं, अच्छा चुनाव के टाइम में नज़र आते हैं, और काम तो कुछ नहीं हुआ, विकास कुछ नहीं हुआ है क्या? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। आप बताइए चाचा। हम लोग नाखुश हैं शत्रुघ्न सिन्हा के जब तक रहे यहाँ 10 वर्ष के अवधि में रहे, लेकिन उनका कारनामा कुछ नज़र नहीं आया, अच्छा कारनामा कुछ नज़र नहीं आया। जो भी विकास है ये प्रकाश पर्व के समय होता है, लेकिन उनसे कोई मुलाकात भी नहीं कर पाता था, यही हम लोगों को बहुत दुख की बात है, इसलिए उनका कार्यकाल बड़ा ख़राब रहा मेरी राय में। बस विकास कुछ नहीं हुआ है क्या? विकास हाँ, हम लोग के साइड में तो नहीं, कुछ जो भी हुआ है ये सब प्रकाश पर्व के चलते हैं, उनके द्वारा तो कुछ नहीं हुआ, वो तो भेंट भी नहीं करते थे किसी से, मुलाकात करने एक बार लोग गया, पीठ छोड़ा के भाग गए, हाथ छोड़ा के भाग गए, लोग रोकते रहा, यहाँ आए थे स्टेडियम में, मनोज को मिलिए भाग गए, हम तो नहीं थे वहाँ पर, सुना है कि लोग रोकते रह गए अपनी समस्या कहने के लिए उनको, लेकिन उनके पास समय नहीं था सुनने के लिए, भाग गए। आप बताइए चाचा। वो केवल खामोश करना लोगों को समझाते हैं, खामोश, और उसके बाद कुछ लेना देना नहीं, न क्षेत्र से उनको कोई मतलब है और न पब्लिक से है, इसलिए हम लोग जो है सो उनसे बहुत नाखुश हैं, उनको वोट वोट देने का कोई सवाल नहीं। आप बताइए। बात तो उसी तरीके का है, तो आते उते हैं नहीं, न किसी से भेंट होता है, खाली बस इलेक्शन के टाइम में दर्शन होता है, अब काम क्या करेंगे, जब आदमी से भेंट ही नहीं होता है तो इलाका घूमबे नहीं करेंगे तो काम कहाँ से कुछ करेंगे, इसलिए तो कोई काम कर लायक है नहीं, केवल नेता जी हैं इतना ही। अब बताइए क्या नाम हुआ? कृष्ण कुमार रजकपुर पार्षद जी, बताइए। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा को सिर्फ हमने फिल्म में देखा है लेकिन हमारे क्षेत्र के MP कभी क्षेत्र में नहीं देखा है। अब ये चाहते हैं कि हम फिल्मी दुनिया में रह कर कमर हिलाकर हम जनता से वोट ले गए, तो अब पहले वाली अब जनता नहीं है, अब जनता चेत गई है कि किसको वोट देना है, किससे विकास होगा, और केवल विकास विकास की बात करते हैं। आप विकास तो करवाया फील्ड, यहाँ भी मंगल तालाब का भी विकास करवाया, एक तरफ विकास करवाते हैं तो दूसरे तरफ पब्लिक को आने में रोक लगाते हैं, तो ये कैसा विकास है?
दूसरी चीज़, कोई भी समस्या अगर क्षेत्र के अंदर में होता है तो एमपी एमएलए वगैरह को भेजा जाता है कि जनता के समस्या को देखे, लेकिन जनता के समस्या को क्या देखेगा? जनता के समस्या को देखते तो आज कितने गरीब का मकान, पुराना आदम राज का मकान है, अंग्रेज के ज़माने का मकान, सबको तोड़वा तोड़वा के तबाह कर दिया, आदमी मकान बन रहा है, क्या जनता वोट देगी? आप एक चीज ही बोला कि ये नाजायज़ क्यों है कि एक बीते का चलते उसके लाखों का बर्बाद चला गया। तो जनता चेत गई है और जनता बहुत बुद्धि से काम ले रही है। अब जनता विकास को भी देख ली, विकास गरीबों के लिए विकास नहीं है, ये अमीरों के लिए विकास है। आप विकास करवा के सरकार जो है अपना कमाई करवाना चाहती है और जनता इससे क्रस है। अब ये आने वाले चुनाव में जनता बता दे कि किस तरह से क्रस है। आपने एक तरफ शराब बंद करवा दिया, लाखों लोग बेरोजगार होंगे, कभी उसके बारे में सोचते हैं इसका क्या होगा? बालू रोकवा दिया, सीमेंट और छर, इस तरह से महंगाई कहाँ भाग रहा है? आप ये देख रहे हैं कि नौकरी, सरकारी नौकरी करने वाले का तो पे बढ़ा रहे हैं आप, लेकिन प्राइवेट नौकरी करने वाला जो आदमी है तो उसका मालिक पैसा बढ़ा रहा है। मालिक तो कह रहा है कि एचसीजीसी में पैसा जा रहा है, आपको कहाँ से बढ़ाने? तो कैसे क्या तरक्की है? गरीबों का क्या तरक्की है? गरीबों का मरण एक तरक्की नहीं है। बताइए, आप बताइए। बात तो सही है, लेकिन ज़्यादा मैं क्या कहूँ इसी का समझ। क्या बात सही है? बात तो यही है कि लोग देख ही रहे हैं कि क्या इन्होंने किया क्या नहीं किया। क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो बात तो बदलेगी कुछ ना कुछ। जी बताइए, कैसे बताऊँगा? शत्रुघ्न सिन्हा के कार्यों से कितने खुश हैं आप? शत्रुघ्न सिन्हा तो फिल्मी स्टार है, दुहला तिनला जितबो करी सर, तो कुछ काम नहीं हुआ ना। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं? वो तो दो बार एमपी रहे, लेकिन कुछ किया क्या किए? आए कभी अपने क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में कभी घूमे? फिर दोबारा एमपी होने के बाद में आप लोग को भी जानकारी होगी, आए कभी? तो है एक बार भी कहाँ क्या हो रहा है, क्या है नहीं है, और क्या क्या कहूँ मैं उनके बारे में? आप बताइए। बस वही जो कह रहे हैं वही सच बात है, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। क्या किए कुछ नहीं आया क्या? दोबारा तो सकल में कोई देखता नहीं। एक बार है जो क्या बोलता है बीजेपी के टिकट से गए, और एक बार है जो ये दोनों का गठबंधन में गए शुरुआत में, तो यही ना दो बार गए जीत कर। हम विकास को देगा, विकास लग रहा है, विकास हो रहा है बढ़िया से। शत्रुघ्न सिन्हा काम किया है बीजेपी, बीजेपी शत्रुघ्न सिन्हा क्या करे ना भैया, कुछ नहीं करे ना। और करता तो हर पब्लिक के मुंह जवान पर रहता आवाज कि हाँ शत्रुघ्न सिन्हा, बीजेपी का काम बढ़िया हो रहा है, उसी को देना है। शत्रुघ्न सिन्हा के कार्यों से कितना खुश है आप? एक पैसा नहीं। क्यों? अरे वो आदमी कहीं नहीं देखे आज तक, 10 साल से वो एमपी हैं, कभी एक बार उनका नजर भी नहीं आए। जीत के गए, अब माफी मांग के गए कि अगले बार से ही नहीं गलती होगा, फिर कहा है वही गलती है, इसी कारण उनको पार्टी बदल दी। कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं, कौन काम किए हैं वो उदाहरण दे, वो कुछ आके अपना बतावे ना भाई यहाँ जनता को कि हाँ हम ही किया है, विकास किया है, कहाँ किया है वो बताइए। प्रत्यक्ष रूप से हम लोग आज तक देखा ही नहीं उसको, तो उसके बारे में सोचना ही क्या है। फिल्म में देखा है ऐसे कहाँ देखें, फिल्म में देखा है 72 बार देखा है, लेकिन ऐसे तो नहीं देखा। उनको कोई विकास का मैंने किसी पब्लिक से संबंध रखना भी मुश्किल है, कभी आए नहीं किसी कार्य में, चाहे कहीं भी कोई उपलक्ष्य में कि आकर के दर्शन करें जनता का, वो इस लायक भी नहीं समझते हैं। किसी फंक्शन में नहीं आए आज तक भाई, इसीलिए उनके बारे में सोचना ही बेकार है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं वो वादा किसी चीज़ पर नहीं किए हैं, समझा ना, किसी तरह का वादा नहीं करते हैं और झूठ बोलने का कोशिश नहीं करते हैं। वो भले काम नहीं किए हैं मगर वादा भी नहीं किए हैं। और हमको जैसा लगता है बिहार में जो है जो जाति समीकरण के कारण वोट गिरता है, तो इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि शत्रुघ्न सिन्हा पटना सिटी क्षेत्र से जीत भी सकते हैं। पटना साहिब क्षेत्र? हाँ पटना साहिब क्षेत्र, वही सिटी। विकास किए हैं? हैं विकास किए हैं? विकास तो न किए हैं मगर भी जीतेंगे। हाँ जीतेंगे, कहे कि कोई भी
नेता कहता है, वादा करता है, मगर कोई विकास के नाम पर सब झूठ बोल करके चला जाता है। फिर दर्शन तक नहीं होता किसी नेते। आज रविशंकर भी अगर जीत के जाएंगे तो ऐसा नहीं कि पटना साहिब एकदम क्षेत्र उनका ये हो जाएगा, विकास हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। कोई नेता ऐसा नहीं किया है। आप कह रहे हैं चाचा जी कि अगर नहीं है, उनको फिल्म में देखे हैं, चाचा जी तो कह रहे हैं कि नहीं वो तो जीतेंगे। वो कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, उनका बात है, वो ठीक कह रहे हैं जी। वो जाति समीकरण पर जीतेंगे और वो झूठ बोलते भी नहीं है और न भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ तो सारा नेता भ्रष्टाचारी है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, मगर सब भ्रष्टाचार में लिप्त है और अयाशी भी करता है, शराब और सूरा सुंदरी से भी मतलब रखता। आज मुजफ्फरपुर जेल का देख लीजिए, वही हालत है। कहू शत्रुघ्न सिन्हा करवा रहे थे जबकि बीजेपी की सरकार है। जो लड़की सबका इतना मार मारता था यौन शोषण के लिए, क्या उस सरकार से हम उम्मीद रखें? खाली कहने के लिए है। मुजफ्फरपुर में ब्रजेश ठाकुर को देख लीजिए। अरे हम तो यही कहना चाहते हैं कि यहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा जीत रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात कि वादा कभी किसी चीज़ के नहीं कहे ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कभी वादा नहीं कहे ना। और लोग वादा करते हैं लेकिन नहीं करते हैं कुछ। आप बताइए क्या नाम हुआ? श्री राजबली सिंह। अच्छा बोलिए राजबली सिंह जी। हाँ शत्रुघ्न सिन्हा जो सांसद अभी है, उनके कार्यों से कितना खुश है आप? सब खुश है। अगर नहीं खुश होता तो दो बार विनर कैंडिडेट नहीं बनते। दूसरा बात कि एक भूल कमल के फूल, एक भूल आदमी कर चुका है लेकिन दोबारा भूल नहीं करने जा रहा है। वो कमल खिलेगा नहीं, कीचड़ में धंसेगा। जब उसका सरदारे झूठा है नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान के सबसे झूठा व्यक्ति पहला, तो उसका चेला चटिया कैसा होगा? यही समझ लीजिए, वो चोर नंबर वन है और झूठ के सरदार है। और शत्रुघ्न सिन्हा डंका के चोट पर जीतेगा, डंका के चोट पर। बिना विकास किए हुए, विकास किए हुए, बिना विकास कैसे किए हुए? विकास न कैसे, विकास न करता शत्रुघ्न सिन्हा के फंड तो नंदकिशोर यादव उठा लिए और वही विकास करवा रहा है, समझे? आइए और यहाँ भी हम देख लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। बताइए संतोष जी, शत्रुघ्न सिन्हा के कार्यों से कितना खुश है आप? शत्रुघ्न सिन्हा जातीय समीकरण पे आधार पे वो जीतेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं जीतेंगे, ठीक है ना। इस बार कमल नहीं आने वाला है, कांग्रेस ही आएगी। तो ये देखिए पटना साहिब का जनता का बयान रहा कि शत्रुघ्न सिन्हा से, उनके कार्यों, उनके विकास से कितने खुश है। बहुत लोग बोले कि भाई खुश तो है ही, कुछ लोग बोले क्या कि नहीं खुश नहीं है, वो नज़र ही नहीं आते हैं, सिर्फ आते हैं फिल्मों में, आते हैं डायलॉग बोलकर वो चले जाते हैं। अब देखना है कि पटना साहिब के ये दलित बस्ती के बिल्कुल नज़दीक में गांधी सरोवर मंगल तालाब के समक्ष जो घूमने के लिए आते हैं, इंजॉय करने के लिए आते हैं, उनका मत कैसा नज़र आता है, क्या रिजल्ट मिलता है, वो तो पता चलेगा इस लोकसभा चुनाव में। और हम आपसे विदा लेते हैं। बेब समाचार ऐसे ही 24/7 देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए। फिर एक नए अंदाज में एक दूसरे क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ की समस्या से लोगों से रूबरू कराएंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।